राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सावन स्पेशल चावल की खीर बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, सभी को बहुत पसंद आती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए 1/4 कप बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे। चावल को धो लेंगे। हमने चावल को धो लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। दूध में उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गई है। अब हम दूध को चलाएंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को भिगोए हुए आधे घंटे हो गए हैं। चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम दूध को बीच बीच में चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएं। कढ़ाई के किनारे पे जो मलाई आती जाएगी, उसे हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध भी हल्का गाढ़ा हो गया है और चावल भी पक गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच कट किया हुआ बादाम डालेंगे। 1 चम्मच कट किए हुए काजू डालेंगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आप इसमें अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, खीर बनके तैयार है। खीर को ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जब खीर ठंडी हो जाएगी तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए गैस को बंद करेंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। खीर ठंडी हो जाने के बाद सर्व करेंगे। कटे हुए बादाम से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सावन स्पेशल चावल की खीर बनके तैयार है। आप खीर को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप खीर को फ्रिज में रख के खाएंगे तो खीर और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।